नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है। मुरली मनोहर जोशी और मोदी के बीच तीन मुद्दों को लेकर ठन गई है। बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे राम जन्मभूमि पर मोदी और जोशी की राय अलग अलग है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि का जिक्र हो, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ऐसा नहीं चाहते। वहीं कॉरपोरेट खेती पर मोदी जोर देना चाहते हैं, जबकि घोषणा पत्र में जोशी की राय है कि देसी कृषि पर जोर दिया जाए। तो एक बार फिर से ठन गई है जोशी और मोदी में। हम आपको बता दें, तीन मुद्दों पर ठन गई है इन दोनों के बीच। घोषणा पत्र में तीन मुद्दों को लेकर सहमति नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रसून जी, एक बार फिर से ठन गई है नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी के बीच। जाहिर सी बात है, सेकुलरिज्म को लेकर जो छवि बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे में वो नहीं चाहेंगे देश में जिस तरह की वो अपनी छवि बनाना चाहते हैं, कि ऐसे में फिर से हिंदुत्व का मुद्दा, फिर से राम जन्मभूमि का मुद्दा मुख्य रूप पर मैनिफेस्टो में उनके हो। यकीनन ये ठनने की बात नहीं है, शायद ये संघ की विचारधारा को छोड़ने का सवाल भी आ गया है कि मोदी चाह रहे हैं कि जन्मभूमि का जिक्र, राम जन्मभूमि का जिक्र करेंगे तो पूरा मुद्दा भटक जाएगा। मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि 1989 से लेकर आज तक ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं रहा है जिसमें हमने राम जन्मभूमि में एक भव्य राम मंदिर का जिक्र ना किया हो, फिर ऐसा क्या आ गया है, अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा बवाल होगा, ये मुरली मनोहर जोशी का कहना है। और इसके आगे की जो बात है वो कहीं ज्यादा दूर हो गई है, क्योंकि खेती को लेकर जो स्वदेशी जागरण मंच का एक पूरा रूप था, उसी बातों को रखना चाहते हैं मुरली मनोहर जोशी। लेकिन दूसरी तरफ हम बता दें कि इस बीच में कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। मुरली मनोहर जोशी कानपुर लौट गए हैं, तीन दिन से वो दिल्ली में थे। पीयूष गोयल, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं और उस कॉकस में माने जाते हैं जो कि नरेंद्र मोदी का कॉकस है, पीयूष गोयल लगातार मैकेंजी कंसल्टेंसी है जो कि अमेरिका की फर्म है, उसके सुझाव थे कि भारत में अब खेती जो है वो कॉरपोरेट तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खेती पर बड़ी तादाद में लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ रही है, खेती की जमीन कम हो रही है, तो कॉरपोरेट फार्मिंग होनी चाहिए। इस पर बहुत साफ तौर पे जोशी का कहना था कि जी नहीं, अब तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब बहुत साफ है कि जो रसायन युक्त खाद होता है उससे कम से कम खेती की जमीन को मुक्ति दे दी जाए। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल था कि मैकेंजी कंसल्टेंसी दुनिया भर में जानी जाती है कि जो रासायनिक खाद है उसको वो आगे बढ़ा रही है, ये एक दूसरा टकराव था। तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, जो मनमोहन सिंह की पॉलिसी है जिसमें कि चाहे वो पावर सेक्टर को दिया जाए या जिन भी परियोजनाओं को दिया जाए, वहां पर टकराव था। और इसी को लेकर मुरली मनोहर जोशी की राय कि नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल वे में एक्सप्लॉइट होने चाहिए, ना कि अननेचुरल वे में। इस टकराव में दूसरा हिस्सा आया नदियों को जोड़ने का मामला भी। नदियों को जोड़ने को लेकर मोदी की तरफ से था, या कहें उनके ग्रुप की तरफ से था, कि सुरेश प्रभु ने जो प्रोजेक्ट बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, उसे ही लागू कर दिया जाए। मुरली मनोहर जोशी का कहना था ये संभव नहीं है, आप गंगा को गुजरात नहीं ले जा सकते हैं, आपको नेचुरल वे में चीजों को देखना होगा जिससे कि प्राकृतिक असंतुलन ना हो, और इस देश में इस दौर में बहुत ज्यादा प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। ये तीन इशू ऐसे हैं जिसमें अगर संघ की तरफ से बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद और स्वदेशी जागरण मंच इन बातों को कहते रहा है, मुरली मनोहर जोशी ने उन्हीं बातों को रखा है, मोदी इसे बदलना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला संघ के दरबार तक में पहुंच गया है, और संघ की तरफ से कहा गया कि जो मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं उसे ही आप रखिए। बावजूद इसके सहमति नहीं बनी तो बजरंग लाल गुप्ता हैं, जो कि संघ के आइडियोलॉग माने जाते हैं, इकोनॉमिक के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, उनकी एक पहचान है, उन्हें अब ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप सहमति बनाइए और इसको रखिए। और ये जो बात लगातार बीजेपी की तरफ से आ रही है कि नेताओं की मौजूदगी नहीं है इसलिए घोषणा पत्र में लगातार देरी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे टकराव है घोषणा पत्र को लेकर, और मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि जो हमने सीखा समझा है और संघ के जरिए वो हम रखना चाहते हैं। मोदी कह रहे हैं देश की धारा बदल गई है, अब आप उसको बदल दीजिए और मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। आइडियोलॉजी की जो बात कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी में खास करके जो
आडवाणी हो गए या फिर मुरली मनोहर जोशी सरीखे जो बड़े वरिष्ठ नेता हो गए उनका कहना है, लेकिन आइडियोलॉजी से कितनी हट गई है या आइडियोलॉजी कितनी बदल गई है मोदी के आने के बाद से, वो हम और आप पूरा देश देख रहा है। ऐसे में राम जन्मभूमि का मुद्दा मैनिफेस्टो में लिखना कहां तक सही खुद बीजेपी के लिए होगा, और बार बार जिस तरह से टकराव दो अलग अलग कह ले कि नेताओं की तरफ से सामने बार बार आ रहा है, पीढ़ी के दो अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रहा है, ये कितना सही होगा बीजेपी के लिए? नहीं देखिए, ये पीढ़ियों का फर्क नहीं है, क्योंकि याद कीजिए तो जिस समय देवरस संघ के सरसंघ चालक थे और मोहन भागवत है वही उम्र का फर्क है। लेकिन मोहन भागवत भी चाहते हैं कि राम जन्मभूमि का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वादा है और हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मोहन भागवत उम्र के लिहाज से जो नरेंद्र मोदी की उम्र है वही है, लेकिन वो संघ को संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी ने देवव्रत के दौर को भी देखा है जिस समय ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। सवाल खाली ये आ गया है कि इस दौर में पीएम पद को चाहना पाना, चाहे वो कोई भी तरीका हो, वो महत्वपूर्ण है और उसके पीछे आरएसएस खड़ा हो गया है, या ये माना जाए कि एक आरएसएस बीच के रास्ता निकालना चाहता है जिसमें मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के विचारों को भी तरजीह देते हुए संघ के विचार बचे रहें और तब मोदी आगे बढ़े, इसमें एक सहमति और एक कहीं संतुलन बनाना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस नए विवाद से बिल्कुल कैसे निपटेगी बीजेपी, अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसून जी।